Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पहले तो तुम उसकी शादी के खिलाफ थी, ये अचानक से क्या हो गया? जुहाब, तब बात और थी, अब आपके कारोबार से अच्छी खासी आमदनी आ रही है। जुनैद साहब, आपका बच्चा मुझे तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार लगता है। डॉक्टर साहब, मुझसे जो होता है मैं करता हूँ, आप भी कुछ मशवरा दीजिए। देखिए जुनैद साहब, अगर आप इसे वक्त और तवज्जो नहीं दे सकते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि आप अपने इस बच्चे को किसी अच्छे हॉस्टल में दाखिल करवा दीजिए। देखिए, ये वक्त बहस करने का नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी बहन की तलाक मेरी वजह से हुई, मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। तुम्हें अपने घर वालों के साथ आना चाहिए था, हम लोग खानदानी और शरीफ लोग हैं, इस तरह दरवाजे पे खड़े होकर कौन अपनी बेटियों के रिश्ते तय करता है? बच्चों जैसी बातें मत करो, आखिर कब तक यहाँ बैठकर अम्मी के ताने सुनोगी तुम? मैं सब कुछ सुन लूंगी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम लोग क्या छुपा रहे हो मुझसे? रात को क्या हुआ था, बता क्यों नहीं रहे तुम? वो नगीन मुसलसल इनकार कर रही है, किसी की बात ही नहीं सुन रही। रहा बेटा, नगीन को कहो मुझसे बात करे। जा बेटा जा, मैं समझाता हूँ उसे। अगर वो प्यार से ना समझे तो उसे जरा सख्ती से समझाइए, कब तक यूं बोझ बनी बैठी रहेगी? रात को तमाशा खड़ा किया, उसके बारे में अबू से जिक्र मत करना। पिछले 2 माह से आपकी मुसलसल कंप्लेंट्स आ रही हैं, और स्टाफ का भी कहना यह है कि आप अक्सर हॉस्पिटल से गैर हाजिर रहते हैं, और एक दो बार तो आप इमरजेंसी में केसेस छोड़ के चले गए हॉस्पिटल से बाहर। पेशेंट की कंप्लेंट भी है, आपने एक पेशेंट से तलकलामी की। इट वॉज अ साइको केस सर, उस बंदे को बात करने की तमीज नहीं थी। बात करने की तमीज आपको भी नहीं है। पेशेंट अपना सलूक जैसा भी चाहे करे, लेकिन डॉक्टर होने के हिसाब से आपका ये लहजा आपको जेब नहीं देता। जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हैं वो इस शहर का एक नामवर हॉस्पिटल है, और हमें इतने गैर जिम्मेदार मेडिकल स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका टर्मिनेशन लेटर, और फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपने ड्यूज क्लियर कर लीजिएगा। सर, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, आप मुझे एक और मौका दीजिए। आई एम सॉरी डॉक्टर अहमद, मैं आपको दूसरा मौका नहीं दे सकता, आपकी कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा है, हमें इतने गैर जिम्मेदाराना स्टाफ की यहां जरूरत नहीं है। मामू प्लीज समझने की कोशिश करें, जिस शख्स की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? ये नामुमकिन है। नहीं बेटा, समझने की कोशिश करो, दिल पर पत्थर रखकर ये शादी कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये क्या कह रहे हैं आप मामू?
कम से कम आप तो इन लोगों की हिमायत मत करें। आप अच्छी तरह से एमर के असलियत जानते हैं, मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। मैं सब जानता हूँ बेटा, मुझे तुम्हारी हर बात का यकीन है, हर बात का। लेकिन मैं बहुत मजबूर और बेबस हूँ बेटा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहता हूँ कि तुम मेरी बात मान लो, इस शादी के लिए राजी हो जाओ, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। कैसी बातें कर रहे हैं मामू? अल्लाह की बात, सिर्फ आप ही तो मेरा एक सहारा है। इसीलिए तो कह रहा हूं बेटा, कल रात को जो सुहाना ने घर में तमाशा खड़ा किया था, वो मैंने सब सुन लिया था, सब सुन लिया था मैंने। अगर तुम कुछ दिन और इस घर में रही तो इस औरत से कुछ बहित नहीं, ये तुम पर कोई खलीज बहतान लगाकर तुम्हारी जिंदगी अचीरन कर लेगी। इसलिए तो कह रहा हूं बेटा, मान जाओ। अमर से शादी कर लो बेटा, शादी कर लो उससे। जिंदगी में औरत के लिए मर्द का साथ बहुत जरूरी होता है बेटा, यही फितरत का निजाम है। मर्द के बगैर औरत की जिंदगी ऐसे ही जैसे बगैर छत का मकान। बेटे, अहमर ने जो कुछ किया भूल जाओ, दरगुजर करो, यूं समझो ये तुम्हारे मामू की आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा घर फिर से बस जाए बेटा, फिर से तुम्हें एक छत, एक सहारा मिल जाए। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हर कोई हमारी तारीफ कर रहा था, और जो लड़कियां थी ना सर, पांच वाले से तो देख, हर कोई तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। तो पता आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। कुछ सावन में भी सूखे रहे।
so much for everything. तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, शुक्रिया तो मैं तुम्हारा करना चाहता हूँ। तुमने जिस तरीके से मुझे और मेरे बेटे को मोहब्बत दी है, उसका बदला तुम्हें उतार ही नहीं सकता। हाँ, जो माजी में तुमसे गलतियाँ हुई उन्हें अब भूल जाओ, इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुमने मेरी बिखरी शख्सियत, मेरा टूटा हुआ वजूद, मेरे बिखरे घर को जिस तरीके से बचाया है कोई नहीं कर सकता था। इन सब के लिए मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूं। यकीन नहीं आ रहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से चुने से छीन। और एक वो है, इद्दत के बाद अहमद से शादी भी कर ली। क्या शादी कर ली? मैं कैसे खाली हाथ आती है ना, तो ससुराल में सर झुका कर जिए तो ज्यादा बेहतर है। जेवर उतार कर मुझे दो। शादी मैंने माँ बाप की खुशी के लिए की, अपनी खुशी के लिए नहीं। बहुत जल्द सिर्फ आज एंटरटेन। सती का वक्त हो रहा है, तुम इसे लेके बाहर आओ, अहमद इंतजार कर रहा है। बड़ी खुश नसीब हो, बहुत आसानी से तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। उठो, अहमद इंतजार कर रहे हैं, चले। हाँ भाई, मैं मामू से मिलना चाहती हूँ। मिल लो, मगर कोई ऐसी वैसी बात मत करना जिनसे उनकी तबीयत खराब हो जाए। बेटे, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, बस तुम रोना मत। अहमर के साथ एक नई जिंदगी की इब्तदा करो। पिछली सारी बातों को, तलखियों को भूल जाओ बेटा। मुश्किल है माँ, बहुत मुश्किल है। मैं कैसे उस शख्स के साथ रह सकती जिसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैं कैसे उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारूंगी? बेटे, तुम्हें बहुत सब्र, हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। एक अच्छी बीवी बनके दिखाना होगा। मेरी बात मानोगी ना? वादा करो मेरी बात मानोगी। चलो, लड़का कब से इंतजार कर रहा है, बाहर आओ जल्दी।
मैं जा रही हूँ मामू। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, और कभी कभी मामू को अपनी खैरियत बताते रहना। तुम हमेशा मेरी दुआ में रहोगी। बस मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मामू, मेरी जात से हमेशा आपको दुखी मिले, कभी कोई खुशी नहीं दे सकती। जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा। नहीं 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 बेटा, बेटियां दुख का नहीं राहत का सबब होती है। बस तुम अपनी प्यारी सी मासूम सी मुस्कुराहट से मेरे दिल को सुकून दिया करो। जैसे बचपन में मुस्कुराती हुई आकर मेरी गोद में बैठी थी और मेरे सीने पर ऐसा रख के सो जाती थी। बस रोना मत, रोना मत बेटा, मैं तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ बेटा, मैं तुम्हें मुस्कुराता और रुखसत करना चाहता हूं। मुस्कुराओ बेटा, मुस्कुराती हुई जाओ यहां से। तुम्हारे मुंह दिखाई का तोहफा सच्ची है ना? तुम्हें याद है मैंने तुमसे बहुत पहले एक वादा किया था कि शादी की रात को मैं तुम्हें डायमंड रिंग दूंगा। देर ही सही लेकिन आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने कहा था ना तुम्हें हर हाल में अपना बनाऊंगा, तो देखो आज तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी हो। दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ हिम्मत और हौसला होना चाहिए इंसान में। क्या हुआ, खुश नहीं हो तुम? मुझे तुम्हारे चेहरे पे वही खुशी और आंखों में वही मोहब्बत चाहिए। और हाँ, आइंदा तुम्हें यूं रोता हुआ ना देखो, कभी नहीं। मुझे वही नगीन चाहिए जो वो शर्माती थी, मुस्कुराती थी, खुश रहती थी। सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती थी, सिर्फ मुझे। थैंक यू नहीं कहूंगी। Like a good girl. बहुत थक गया हूं मैं।
आज सुकून की नींद आएगी मुझे। बड़ी लंबी मुसाफत तय कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ आज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। सोच रहा हूँ कि आज शुक्राने की दो रकात नफिल अदा कर। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कुछ नहीं। यकीन नहीं आ रहा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से चुने से छीन। तुम्हें तो मुझको तुम हमेशा के लिए मेरे पास हो, मेरे साथ हो। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्या हशर किया है आपने अपना? बस कर दें भाई, कब तक उस सदमे को दिल से लगा कर बैठेंगे? आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा आपका। हादी को भी निग्लेक्ट कर रहे हैं आप। और एक वो है, इद्दत के बाद अहमर से शादी भी कर ली। क्या शादी कर ली? हाँ, मुझे अभी अभी पता चला है नगीन और अहमर की शादी का। ये तो होना ही था, उसी की वजह से तो बेवफाई की उसने आपके साथ। अब दोनों का मकसद भी पूरा हो गया। अब आप भी फैसला कर लें। फारी एक अच्छी लड़की है, आपको बहुत खुश रखेगी। बात खुशी की नहीं है, बात एतबार की। और मेरा एतबार दुनिया के हर शख्स से उठ गया है। तुमसे बहुत पहले एक वादा किया था कि शादी की रात को मैं तुम्हें डायमंड रिंग दूंगा। देर ही सही, लेकिन आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने कहा था ना, तुम्हें हर हाल में अपना बनाऊंगा। तो देखो, आज तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी हो। मुझे वही नगीन चाहिए जो वह शर्माती थी, मुस्कुराती थी, खुश रहती थी। सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती थी। मिस्टर जुनेद, अपने दोस्त और अपनी एक्स वाइफ को मुबारकबाद नहीं दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? जिस तरह मोहब्बत से और एहतराम से तुम उस जुनेद का नाम लेती थी, उसी तरह समझी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से अपने इशारों पर चलाना चाहते हो। एक जीती जागती इंसान हूँ मैं। हासिल तो कर लिया तुमने, लेकिन मेरी मोहब्बत और तवज्जो कभी हासिल नहीं कर सकोगे।
शुक्र है इस फर्ज से सुबुकदोश हो गए हम। अहमद के साथ उसके घर का कोई एक फर्द भी नहीं आया, ये अजीब बात है। कम से कम उसके साथ उसकी बहनों को तो आना चाहिए था, मुझे अकेला चलाया मुंह उठा के। अब बैठकर बातें करते रहो कि ये नाश्ता भी मिलेगा, बहुत भूख लग रही है, जाके नाश्ता लगाओ। जी रहा बेटा। जी वो फोन करके बहन की खैरियत पूछ ले रहा है। जी मैं मालूम कर लूंगा, रघुआ परेशान ना हुआ करें, अब इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। तुम्हारे जवाब का मुंतजर हूं। आखिर जुनैद से शादी पर तुम्हें क्या इतराज है? हाय, उसने मुझे रिजेक्ट करकर नगीन का इंतखाब किया था। फॉर गॉड्स सेक भाई, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपके कारोबार की खातिर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो दांव पर नहीं लगा सकती हूं ना। तुम्हारी तीन मंगनियां टूट चुकी हैं। तो भाई मंगनी टूटने में मेरा क्या कसूर था? क्योंकि अहमद से मंगनी टूटने में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन इसके अलावा जो तुम्हारी मंगनियां टूटी हैं वो सिर्फ तुम्हारी अपनी गफलत की वजह से। जुनैद को कोई लड़कियों की कमी नहीं है, इतना एस्टेब्लिश और समझदार बंदा है। आप पहले जुनैद से उसकी राय तो पूछ लें कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में। समरा ने उसे राजी कर लिया, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि उसे इस सदमे से बाहर निकलने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस दौरान तुम उससे मिलती रहो और फोन पे बात करती रहो, ताकि वो जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर निकल सके। वाओ भाई, आप मुझे एक ऐसे शख्स के सर पर मुसल्लत कर देना चाहते हैं जिसके दिलो दिमाग पर पहले से ही कोई और औरत सवार है। Try to understand भाई, मैं ऐसे अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। कैसे रहूंगी मैं ऐसे शख्स के साथ, जरा सोचें। वक्त सबसे बड़ा मरहम। गहरे से गहरा घाव भी भर देता है, भूल जाएगा वो सब कुछ। तुम अपने एक फजूल से इतराज की वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से गवा रही। तुम अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करो। जरूरत नहीं है फोन करने की, आज तो मैं शुक्राने के दो नफल पढ़ूंगी कि उस मनुष्य से जान छूटी। आइंदा अगर कुछ हुआ ना उल्टा सीधा, इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। पता नहीं क्यों अम्मी, मगर मुझे लगता है कि नगीन के साथ जाती हुई है। नगीन जुनैद भाई को धोखा नहीं दे सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? हम सब जानते हैं कि शादी से पहले वो उस लड़के को पसंद करती थी, और फिर जुनैद ने तो रंगे हाथों पकड़ा है उस लड़के के साथ। आपने देखा नहीं कल वो कैसे रो रही थी, कितनी मुश्किलों से राजी किया है उसको। अगर उसे अहमर में कोई दिलचस्पी होती तो वो चुपचाप हाँ कर देती। अरे सब ढकोसला है, जुनैद की दफा देखा नहीं था, रो रो के बुरा हाल कर लिया था उसने, और बाद में उसके आगे पीछे फिर के खिदमतें करती थी। जुनैद को तो कुछ नजर ही नहीं आता था उसके सिवा। ऐसी लड़कियां बड़ी तेज होती हैं मर्दों को काबू करने में। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता, नगीन बेकसूर है। पहले क्या कम ज्यादती हुई थी उसके साथ जो रही सही कसर सोहना ने पूरी कर दी? किस कदर घटिया सोच है उस औरत की? मेरे और नगीन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? उसका तो दिमाग खराब हो गया, गुस्से में आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती है।
थके हुए आए हो, दफ्तर से जाके आराम करो और नगीन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं और ना ही तुम उसे फोन करोगे। आज से वो हमारे लिए मर गए और हम उसके लिए। अंगूठी कहाँ है? उतार के रख दी मैंने। क्या, क्यों उतार के रख दी? अगेन मुझे इस तरह नफरत से मत देखो। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता हूं, नफरत। गौर से देखो मुझे, मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो, उसी तरह जिस तरह तुम पहले मोहब्बत से देखती थी। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? क्यों? मैं अपने लिए आप सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। जिस तरह मोहब्बत से और एहतराम से तुम उस जुनेद का नाम लेती थी, उसी तरह, समझी? इशारों पर चलाना चाहते हो। एक जीती जागती इंसान हूं मैं। हासिल तो कर लिया तुमने, लेकिन मेरी मोहब्बत और तवज्जो कभी हासिल नहीं कर सकोगे। ऊंची आवाज में बात हो, अगर ऊंची आवाज में बात की ना तो इससे ज्यादा बुरा शिकार हूं, समझी? शादी करे तो मुझे हॉस्टल भिजवा देना, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं जुनेद के लिए नहीं रो रही थी, मैं हादी के लिए रो रही थी, और हादी से बात करने के लिए, उसे याद करने के लिए। मुझे दुनिया का कोई शख्स नहीं रोक सकता। तो फिर आज के बाद ना तुम हादी से बात करोगी और ना ही उससे मिलने की कभी कोशिश करोगी।